Yes. Good afternoon, students. मैं अमित दवे, केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार, पीजीटी कंप्यूटर साइंस. और आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक वैसे चैप्टर था पाइथन रिवीजन टू चैप्टर वन यूनिट वन. और इसी यूनिट वन चैप्टर वन में ही हम पाइथन के क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं. तो ये रिवीजन टूर में ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम गो थ्रू करेंगे, वो है लूप्स या लूपिंग. ये वर्ड लूप का मीनिंग क्या है, यहां से बात शुरू करेंगे. ऑलरेडी वैसे क्लास 11 में आपने बहुत सारे लूप बेस्ड प्रोग्राम बनाए होंगे, उन्हीं प्रोग्राम्स का यूज क्लास 12 में इस तरीके से है कि यहां पे 100% श्योर क्वेश्चंस में से होते हैं फाइंड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. और भी कई सारी प्रॉब्लम्स जिनको हम बगैर लूप के सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए ये रिवीजन टू चैप्टर में लूपिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है जो हमको देखना जरूरी है. ठीक है, तो हम ये अभी रिवीजन टू चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं. कल हमने क्या देखा था, कल हमारे जो टॉपिक कंप्लीट हुए थे उसमें एक टॉपिक था टोकन, और टोकन के 5 टाइप्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर, ऑपरेटर, दीज आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स. डेफिनेशन थी टोकन की, क्या थी डेफिनेशन? यस, टोकन की डेफिनेशन यही थी, इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम और बेसिक लेक्सिकल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज टोकन. टोकन में 5 टाइप्स, टोकन में नंबर 1 था कीवर्ड. ऑल दोज वर्ड्स विच हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग फॉर अ लैंग्वेज कंपाइलर आर कॉल्ड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स. कीवर्ड के बाद एक टर्म हमने सुनी थी आइडेंटिफायर. ऑल दोज प्रोग्रामर डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर भी कल देखा. थर्ड डेफिनेशन थी लिटरल. ऑल दोज फिक्स वैल्यूज यूज इन अवर प्रोग्राम आर कॉल्ड लिटरल. प्रोग्राम में जो भी फिक्स वैल्यू यूज होती है उनको कहा जाता है लिटरल. अब लिटरल के बाद में एक और फोर्थ टाइप टोकन था पंक्चुएटर. पंक्चुएटर्स मीन्स सेपरेटर, कॉमा, ब्रेकेट, पैरेंथेसिस. फॉर सेपरेशन और पंक्चुएशन ऑफ समथिंग वी यूज पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स. पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज टू सेपरेट टू एंटिटीज इन अवर प्रोग्राम. और उसके बाद पंक्चुएटर के बाद लास्ट टर्म थी ऑपरेटर, पांचवा टोकन, फिफ्थ टोकन ऑपरेटर. आवाज आ रही है बच्चों? ओके. तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर इज एन सिंबल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑपरेशन. ऑपरेटर्स की एक लंबी लिस्ट है. ये टॉपिक अभी पेंडिंग है रिवीजन में भी, देखेंगे हम इसको भी. अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो आपने क्लास 11 में पढ़े वही ऑपरेटर फिफ्थ टाइप का टोकन है. तो एक थ्योरी क्वेश्चन तो हमारा प्रिपेयर हुआ टोकन और टोकन के टाइप्स. उसके बाद हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए इफ एल्स का यूज देखा. एक जस्ट स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग रिवीजन में हाउ टू यूज इफ एल्स इन अवर प्रोग्राम. एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था हमने लास्ट क्लास में जिसका पर्पस था डिस्काउंट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस अमाउंट. तो वो यदि आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, इफ एल्स का यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक टॉपिक लूप. बेटा बेसिक फॉर प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग को यदि हम इस तरीके से कैटेगराइज करें कि फ्लो ऑफ कंट्रोल के बेसिस पर, मतलब प्रोग्राम का फ्लो, एग्जीक्यूशन के फ्लो के बेसिस पर यदि हम प्रोग्राम को बायफर्केट करें, कैटेगराइज करें, तो देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. वन इज लीनियर प्रोग्राम, सीक्वेंशियली प्रोग्राम मीन्स जिसमें कोई इफ एल्स नहीं है, कोई लूप नहीं है, वो प्रोग्राम इनपुट कैलकुलेशन और आउटपुट वाले बेस्ड प्रोग्राम. तो वो नंबर 1 कैटेगरी में आएंगे, सिंपलेस्ट प्रोग्राम जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इनपुट किया प्रिंसिपल रेट और टाइम, फिर कैलकुलेशन किया सिंपल इंटरेस्ट का एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, और फिर आउटपुट में दिखा दिया सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट एस आई. या फिर प्रोग्राम में वर्बली ऐसे ही बता दूं, एरिया ऑफ सर्कल निकालना जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. जस्ट पहले हम रेडियस की वैल्यू इनपुट करेंगे, आर की वैल्यू इनपुट हुआ आर इंट और आर फ्लोट,
इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला पुट करेंगे, ए इक्वल 3.14 इंटू आर इंटू आर, और थर्ड स्टेप में प्रिंट एरिया और प्रिंट ए, तो इससे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारे प्रोग्राम जो फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कहीं पर भी इफ एल्स यूज नहीं हो रहा है, कहीं पर भी लूप यूज नहीं हो रहा है, ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम होते हैं। इसमें कंट्रोल एक के बाद एक सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब सेकंड जो है कैटेगरी है वो है इफ एल्स की, जो हमने कल देखा था। इफ एल्स में क्या हो रहा है, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। तो ये प्रोग्राम बेस्ड ऑन इफ एल्स है। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो जो आज शुरू कर रहे हैं वो है लूप। लूप में परफेक्शन बहुत जरूरी है। लूप में परफेक्शन क्या किस लिए जरूरी है, क्योंकि रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट जब भी हमको जरूरत पड़ेगी, प्रोग्राम में बार बार जरूरत पड़ना है इस चीज की। अभी सिंपल सा एक आपको सामने लूप की इंपॉर्टेंस बता दूं मैं, लूप क्यों जरूरी है, फिर वहां से हम लूपिंग पर आएंगे। कि सपोज यहां पर हमको स्क्रीन पर एक वर्ड प्रिंट करना है, केवी केवी और केवी थ्री टाइम, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, प्रिंट करना है स्क्रीन पर, तो उसके लिए तो प्रिंट स्टेटमेंट है, हमको तीन बार प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट केवी प्रिंट केवी प्रिंट केवी। अब यही प्रॉब्लम हमको दी गई कि नहीं थ्री टाइम नहीं 30 टाइम प्रिंट करना है केवी को, तो फिर ये प्रिंट 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 30 टाइम लिखना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम जो है इस प्रॉब्लम के लिए कि जब हमको एक ही टास्क बार बार एग्जीक्यूट करना है तो इस जगह पर हमको यूज करना होता है लूप। एक ही टास्क बार बार करना है, ये जरूरी नहीं एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करना है, ग्रुप ऑफ लाइंस को भी बार बार एग्जीक्यूट करवाना है यदि हमको, तो हम उन ग्रुप ऑफ लाइंस को लूप के अंदर कवर कर देते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होगा और प्रोग्राम इजी हो जाएगा। रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूपिंग। लूपिंग का मतलब क्या है, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को बार बार एग्जीक्यूट करना, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को बार बार एग्जीक्यूट करना, इसको कहा जाता है लूपिंग। अब जैसे वही हमारी जो प्रॉब्लम है कि 30 टाइम हमको आउटपुट में केवी प्रिंट करवाना है, तो 30 टाइम आउटपुट में केवी प्रिंट करवाना है तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, और पाइथन हमको इसके लिए एक सिंपल सा लूप स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है फॉर इस लाइन को हम एक लूप में कवर कर देते, फॉर आई इन रेंज 1:31 और लास्ट में कॉलन। मैं अभी पूरा सेंटेक्स डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको, इतना लिखने से क्या होगा, फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1:31, इससे ये जो लाइन है ये 30 टाइम आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, केवी 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 30 टाइम लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसका रीजन क्या है, बिकॉज हियर फॉर इज अ लूप स्टेटमेंट। फॉर का सिंटेक्स ये है, एक बेसिक सिंटेक्स ये, फॉर एक वेरिएबल का नाम आता है यहां पर, उसके बाद कीवर्ड है इन, उसके बाद एक फंक्शन यूज हो रहा है यहां पर रेंज, और रेंज में हम दो वैल्यू पास करते हैं, एक लोअर लिमिट एल और एक अपर लिमिट +1। उसके बाद लूप के अंदर के सारे स्टेटमेंट्स को हम मेंशन कर देते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 और यहां पर जरूरी है कॉलन। तो फॉर लूप का ये सिंटेक्स है, फॉर वेरिएबल इन रेंज एल कॉमा यू +1 स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4। अब एक एक पार्ट को समझिए, ये वेर क्या है, वेर एक वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेराई करेंगे हम। जैसे इस एग्जांपल में हमने वेरिएबल लिया आई, ये काउंटर वेरिएबल लिया था हमने आई, आई की वैल्यू को चेंज किया था कहां से कहां तक, 1 से लेके 30 तक। रेंज फंक्शन में ये जो दो वैल्यू दी जाती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पर अपर लिमिट में मेंशन करना पड़ता है अपर +1, क्योंकि रेंज फंक्शन में जो लोअर
से अपर तक वैल्यू स्पेसिफाई होती है तो अपर प्लस वन मेंशन करते हैं तब लूप अपर तक रन होता है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू वेराई होगी अप टू अपर तक। तो ध्यान रखिएगा रेंज में हमको सपोज 10 टाइम रन करना है, देन वी हैव टू राइट हियर 1,11 या फिर 0,10। यदि हमको 10 टाइम लूप रन करना है तो वी हैव टू राइट हियर 0,10, तो 10 टाइम हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 1,11। 1,11 मतलब अप टू 10 तक जाएगा, फिर ये 1 से स्टार्ट होकर। क्लियर हो गई बात? तो ये एक इसका सिंटेक्स है, ये ध्यान रखिएगा। इसी सिंटेक्स में हम लूप फॉर्म करते हैं, मतलब जो लाइन को हमको जितनी बार रन करना है 10 बार 50 बार 100 बार, तो उसके अकॉर्डिंग हम काउंटर की लोअर लिमिट से अपर लिमिट सेट कर देते हैं। काउंटर की वैल्यू कहां से काउंटिंग शुरू करना है और काउंटिंग कब तक कंटिन्यू रखना है वो अपर लिमिट प्लस वन में मेंशन हो जाता है। सपोज यदि आपको अपनी नेम को स्क्रीन पर प्रिंट करना है 100 टाइम तो क्या लिखेंगे? यदि आपको अपना नेम प्रिंट करना है स्क्रीन पर 100 टाइम, देन यस करेक्ट, यहां पर लिखेंगे आप फॉर आई इन रेंज 1,101। यदि 1 से शुरू किया तो 101, और इसके अंदर आप प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में यूर नेम लिख देंगे, प्रिंट यूर नेम, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये दो लाइन के प्रोग्राम को जैसे ही आप रन करेंगे पाइथन में तो यू विल गेट यूर नेम 100 टाइम ऑन योर स्क्रीन। तो ये आउटपुट टाइम, आउटपुट में 100 टाइम ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा। क्लियर? अब इसी लूप पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आगे देखते हैं, जिनके हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सी प्रॉब्लम, बहुत यूजफुल प्रोग्राम है ये प्रोग्राम, टू प्रिंट, प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स अप टू एन एंड देयर सम। प्रोग्राम का पर्पस क्या है? प्रोग्राम का पर्पस सिर्फ यही है कि हमको एन तक के नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं। बेसिक सी प्रॉब्लम है बेटा ये, यदि लूप की प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है ना तो आप ग्रेजुअली और आगे के एडवांस प्रॉब्लम समझते जाएंगे। मैं फिर से एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दूं, प्रोग्रामिंग नॉलेज से बेटर कहा जाए प्रोग्रामिंग इज अ स्किल। यदि आपने ये स्किल डेवलप हो जाता है तो आप कोई भी नई टाइप की प्रॉब्लम पर अपना खुद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम देखें और उन देखे हुए प्रोग्राम को उतना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लें तो ही आप में ये स्किल डेवलप हो पाएगा। ये वन डे बिजनेस नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ के याद करके आंसर लिख देंगे। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे आपकी फर्दर एडवांस स्टडी के लिए भी आपको जरूरी है कि यह स्किल डेवलप होना जरूरी है, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं सामने आएगी तो उसका आप सॉल्यूशन खुद कर पाए। तो अभी हम एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले रहे हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स अप टू एन एंड देयर सम। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर हम प्रोग्राम पर जाएंगे। प्रोग्राम का आउटपुट क्या चाहिए आपको? आउटपुट ऐसा चाहिए, व्हेनेवर यू रन योर प्रोग्राम कंप्यूटर विल आस्क एंटर एन। जब आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर एन। सपोज आपने एन एंटर किया 5, तो कंप्यूटर ये 5 तक के नेचुरल नंबर्स आपको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा और इनका समेशन भी आपको आंसर में दिखा देगा।
हमारी बात समझ में, हमारा पर्पस क्या है? वेन एवर वी रन अवर प्रोग्राम कंप्यूटर विल आस्क व्हाट इज एन, एंटर एन। जैसे ही एन एंटर किया 50, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 50 तक के नंबर जनरेट करेगा। पहले 50 नंबर जनरेट होने के बाद उसका टोटल जनरेट कर देगा। तो इसके लिए यहां पर हम लूप का यूज करने वाले बेटा। लूप क्यों जरूरी हो जाएगा? क्योंकि हमको सिक्वेंशियली नंबर जनरेट करने हैं। पहले हम ऐसा बार बार नहीं कह पाएंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। यहां पर हमको एक ऐसी मैकेनिज्म बनानी है जो एक बार अप्लाई करने पर बार बार रिपीट हो, एग्जीक्यूट हो। तो इसके लिए यहां पर लूपिंग हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमारा आउटपुट है जिसके लिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। हमारे को रिक्वायर्ड आउटपुट ये है। कभी भी आप प्रोग्राम क्लास 12th में आ गए ना, तो अब क्लास 12th में आपकी अप्रोच थोड़ी सी टर्न होनी चाहिए। पहले आप क्या करते थे? प्रोग्राम बनाते थे और उसके बाद आउटपुट निकालते थे। अब यदि कोई नई प्रॉब्लम आप डिजाइन करने जा रहे हैं, तो पहले माइंड में आउटपुट प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए, अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग की लाइन लिखें। ये रिवर्स अप्रोच बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। पहले आपने प्लान कर लिया यू वॉन्ट दिस आउटपुट, इसमें ये सीरीज रहेंगी और ये फाइनल आउटपुट रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम की लाइंस लिखेंगे। तो प्रोग्राम की लाइंस के लिए यहां पर सबसे पहला आपको ध्यान होगा मैंने लिखा था एंटर एन का मैसेज लाना है। तो वो कैसे आ पाएगा? वो आने के लिए आपको जरूरी क्या हो जाएगा एंटर एन के मैसेज के लिए? हियर यू विल टेक एन इनपुट एन इक्वल इंट इनपुट एन इक्वल इंट इनपुट एंटर एन। स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, इसके नीचे जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां पे आपने टाइप किया नंबर, सपोज 5 एंटर किया, तो 5 स्टोर हो जाएगा किसमें? एन में। ये हो गया एन का इनपुट। अब बाकी आगे का सारा काम तो हमको कंप्यूटर से करवाना है। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 50 ये सीरीज तो हमको कंप्यूटर से जनरेट करवानी है। अब उसकी लाइंस हमको यहां पे लिखनी है ताकि वो लाइन को फॉलो करे कंप्यूटर और हमको हमारे सामने नेचुरल नंबर की सीरीज ला दे। तो सीरीज लाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सी बात है। देखिए सीरीज लाने के लिए आपको एक यहां पर फॉर आई, अभी यदि कोई नोट कर रहा है तो उसे नोट ना करें क्योंकि मैं कुछ लाइन बीच में ऐड करने वाला हूं, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे उसके बाद। फॉर आई इन रेंज 1, n+1। लूप कहां तक रन किया बेटा? लूप रन किया हमने स्टार्ट किया 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। कहां तक चाहिए हमको? n तक चाहिए। मैंने बताया था इसके सिंटेक्स में कि अपर प्लस 1 मेंशन करेंगे तब जाके अपर तक लूप रन होगा, तो इसलिए यहां पर n मेंशन कर दिया। वी हैव मेंशन हियर n+1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी वांट दिस सीरीज अप टू n, देयरफॉर वी हैव मेंशन हियर n+1। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीरीज प्रिंट करना है, तो सीरीज तो कैसे प्रिंट होगी? यहां पे लिख दिया आपने प्रिंट आई बगैर कोट्स के, यहां कॉर्नर पे कॉलन लगा है बेटा। लूप का स्कोप के लिए इंडेंटेशन, कल ही हमारा टॉपिक डिस्कस हुआ इंडेंटेशन क्या है। लूप के अंदर जितनी लाइन आएगी उसको इंडेंट छोड़कर ही हमको मेंशन करना है। ये इंडेंट कितना होगा? एक टैब स्पेस सफिशियंट है, केवल सिंगल टैब स्पेस। अब इतना ही प्रोग्राम यदि रन कर लिया आपने तो आउटपुट क्या मिलेगा? आपने एन इनपुट किया 5, आपने एन इनपुट किया 5, तो आउटपुट स्क्रीन पर ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5। आपने एन एंटर किया 50, ये जनरेट कर देगा 1 से लेके 50 तक। आपने एन एंटर किया 100, इट विल जनरेट नंबर 1 to 100। क्लियर? तो ये तो सीरीज जनरेट हो गई है नेचुरल नंबर्स की। हमको इन सीरीज के सारे नंबर्स का समेशन भी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये सारे जितने नंबर्स अप टू एन तक के उनका समेशन चाहिए। जब भी पूरी सीरीज का समेशन करना होता है तो उसके लिए हम यहां पर एक वेरिएबल यूज करते हैं बेटा सम।
वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है, पर सम इसका पर्पस भी शो कर रहा है, वी वांट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर वी हैव यूज्ड वेरिएबल नेम सम। इसमें हमने इनिशियली वैल्यू पुट किया जीरो, एक सम वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और इस सम वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमने स्टोर की जीरो। अब क्या करना है, एक लाइन में सारा प्रॉब्लम सॉल्व। जो जो आई की वैल्यू आती जा रही है उसको हम सम में ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो यहां पर मेंशन कर दे सम इक्वल सम प्लस आई। बस ये पूरी प्रॉब्लम का समेशन का ये कोर लॉजिक हो गया। ये लूप के अंदर ये दो लाइन रहेगी और लूप के बाहर सिर्फ रहेगा प्रिंट सम, प्रिंट सम इक्वल। अब सम इक्वल लिखने से सम वर्ड भी प्रिंट होगा, उसके सामने सम की वैल्यू भी आ जाएगी। ये लूप के बाहर रहेगी लाइन, देखिए आउटपुट क्या होगा। यहां पर नीचे मैं आउटपुट भी लिख रहा हूं, यस एन यूजर से इनपुट किया 5, एंटर एन, तो एन जो है हमने एंटर किया 5। सम एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ, स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, इसकी वैल्यू इनिशियल कितनी होगी 0, आपने असाइन किया हुआ सम में सम 0। उसके बाद यहां से लूप शुरू हो गया, आई इन रेंज 1, n+1, मतलब आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से n प्लस 1 तक। सपोज n 5 है तो 1 टू 5 लूप रन होगा, n प्लस 1 लिखा है ना, तो लूप रन होता अपर माइनस 1 तक, ये n प्लस 1 से 1 कम यानी n तक, तो 1 टू 5 हमारी स्क्रीन पर नंबर आएंगे 1। सबसे पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, 5, आई की वैल्यू 5 बार चेंज होगी। फर्स्ट वैल्यू विल बी आई 1, सेकेंड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू 3, फिर 4, फिर 5, और हर वैल्यू के लिए दो लाइन एग्जीक्यूट होगी कंप्यूटर की मेमोरी में। दीज टू लाइन विल बी एग्जीक्यूट फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई। आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, आई की फर्स्ट वैल्यू ऑफ 1, 1 स्क्रीन पर प्रिंट होगा, आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा 1। उसके बाद आपने मेंशन किया सम इक्वल सम प्लस आई, सम इक्वल सम प्लस आई, सम इक्वल सम प्लस आई से क्या हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए आप सम में इनिशियल वैल्यू 0 है, इसमें ये 1 ऐड हो गया, अब सम की वैल्यू बन गई 1। इसमें बेटा यहां पर इस इक्वल को इक्वल नहीं बोला जाता, असाइनमेंट बोला जाता है। राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन किया जा रहा है, मैथमेटिक्स में इक्वल होता है ये सिंबल। यहां असाइनमेंट क्यों है, इसका काम कैसा है, राइट हैंड साइड का जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर रहे हैं। क्लियर, कोई मैथ्स की तरह इसको देखे तो गलत है वो, कि सम से सम कैंसिल हो रहा है, आई इक्वल जीरो, इट इज नॉट इक्वल, इट इज असाइनमेंट। तो सम इक्वल सम प्लस आई की वजह से क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में सम की वैल्यू 0, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई 1, 0 प्लस 1, न्यू वैल्यू ऑफ सम विल बी 1, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू होगा 2, सम का वैल्यू 1, 1 प्लस 2, 3, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू होगा 3, सम का वैल्यू 3, 3 प्लस 3, सम विल बी 6, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू होगा 4, सम का प्रेजेंट वैल्यू है 6, 6 प्लस 4, 10, नेक्स्ट टाइम सम का वैल्यू होगा 10, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी 5, 10 प्लस 5, 15। हमने ये लूप को कहां तक रन किया है, हमने लूप को रन किया है 5 तक, तो 5 तक के सारे नंबर्स, 5 तक के सारे नंबर्स इसमें ऐड हो गए सम में। लूप 6 पर जाकर तो टर्मिनेट हो रहा है, लूप 6 तक जाकर टर्मिनेट हो रहा है, जब लूप टर्मिनेट होगा तो लूप के बाहर क्या लाइन लिखी हुई है सम, तो प्रिंट सम, इट विल प्रिंट सम 15, ये आउटपुट में प्रिंट कर देगा सम की वैल्यू 15। तो फाइनल वैल्यू हमारे सामने 1, 2, 3, 4 पहले तो नंबर प्रिंट होंगे और उसके बाद सम इक्वल 15। इस तरीके से इट विल प्रिंट सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन, तो ये 5 तक की सीरीज आ गई, उसका समेशन आ गया 15। क्लियर, ओके। तो ये एक प्रोग्राम सिंपल सा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू एन, ठीक है, ओके। अब इसी के टाइप की नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाएंगे हम,
कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कमेंट चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ बेटा, मैं आपके अभी अपने मोबाइल पर चेक कर रहा हूँ कुछ कमेंट्स, उसके आंसर बता रहा हूँ। जैसे एक बच्चे ने लिखा है यहाँ पर, सम क्या कीवर्ड है? तो नहीं बेटा, सम कोई कीवर्ड नहीं है। सम इज नॉट अ कीवर्ड, इट इज आइडेंटिफायर। सम की जगह एस बी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, पर मैंने कल बताया था वेरिएबल का नेम उसके पर्पज को शो करना चाहिए, तो इसलिए हमने वेरिएबल नेम सम लिया है, हमारे द्वारा लिया गया वेरिएबल ये, ठीक है। और दूसरी चीज, एक बच्चे ने लिखा यहां पर, सर आउटपुट में सम नहीं आ रहा। आउटपुट में सम क्यों नहीं आ पा रहा है? आपने ये लाइन नहीं लिखा होगा, इन्वर्टेड कॉमा में सम कॉमा सम लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में आप जो लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में सम लिखेंगे तो यहां पर आउटपुट में आपको सम मिलेगा, और विदाउट इन्वर्टेड कॉमा जो लिखा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक था। इसके अलावा और भी मैं चेक कर रहा हूं यहां पर। हाँ, किसी को आउटपुट को लेकर डाउट है तो आउटपुट मैंने पूरा ड्राई रन भी किया यहां पर, और आउटपुट यही आएगा बेटा, 100% श्योर। लूप कहां से रन किया हमने? स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू एन प्लस वन, तो ऑटोमेटिकली वन टू एन लूप रन होगा और आउटपुट में 1 2 3 4 5 और सम इक्वल 15 आएगा। अभी भी किसी को डाउट है तो अपने कमेंट में टाइप कर दीजिए, तो मैं इसका आंसर देकर नेक्स्ट प्रोग्राम पर जाऊं। यहां पर तानिया ने क्वेश्चन लिखा है कि क्या लूप n-1 तक जाता है? तो तानिया कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहां पर n-1 का कंसेप्ट न रखते हुए सीधी सी बात ये रहे कि यहां पर हमने n+1 मेंशन किया हुआ है, तो जितना मेंशन करते हैं अपर लिमिट उससे एक कम तक लूप रन करता है। रेंज फंक्शन में यदि आपने लिखा 5 to 25 तो मान के चलिए आउटपुट रन होगा 5 से 24 तक। रेंज फंक्शन में आपने लिखा है a, b तो लूप रन होगा a से b-1 तक। और अभी हमारी नीड क्या है? वी वॉन्ट टू रन लूप फ्रॉम 1 to n, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया n+1। लोअर लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपर लिमिट की है, तो अपर लिमिट में इसलिए हमने +1 मेंशन किया हुआ है। क्लियर? तनुदीप ने भी वही क्वेश्चन पूछा है, तनुदीप को भी बता दूं, सम इज नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन। सम कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, यू कैन यूज दिस आइडेंट यू कैन यूज दिस एज आइडेंटिफायर। यस, दिव्यांशु ने बीच में एक अच्छा सजेशन दिया है कि यहां पर सम इक्वल सम प्लस आई को हम सम प्लस इक्वल आई लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अभी मैं कंपाउंड असाइनमेंट नहीं बताया इसलिए कंफ्यूजन नो, इसलिए यूज नहीं किया था। सम प्लस इक्वल आई, ये कंपाउंड असाइनमेंट यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद यश ने मुझे बोला है फिबोनेसी सीरीज का प्रोग्राम, मैं उस पर भी जाने वाला हूं। और कोई डाउट? यदि और भी कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए,
मैं 1-2 मिनट और वेट करता हूं आपके कमेंट का। हाँ यस, रिया ने भी लिखा है क्या हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं? तो हाँ बेटा रिया, अभी हम लोग वाइल लूप पर भी जाएंगे, पहले एक लूप में परफेक्शन हो जाए हमारा। हम अभी फॉर लूप कर रहे हैं, फिर कुछ प्रोग्राम्स वाइल लूप के भी देखेंगे। तो वाइल लूप में भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। मेनली दो ही लूप है, फॉर लूप और वाइल लूप पाइथन लैंग्वेज में। तो इसलिए हाँ, और सचिन ने, अश्विन कुलकर्णी लिख रहे हैं फैक्टोरियल प्रोग्राम बता दीजिए, सचिन नेगी बोल रहे हैं पैलिंड्रोम बता दीजिए। तो बेटा बहुत सारी एक्सरसाइज है, जितना टाइम परमिट करेगा मैं मैक्सिमम लूप बेस्ड प्रॉब्लम ही यहां सॉल्व करने वाला हूं, तो वो सारी देखेंगे हम। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हाँ, इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम है, तो ये हमारे अश्विन भाई की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी फैक्टोरियल, क्योंकि इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम है, इसी में हो जाएगा। बेटा अभी ये प्रॉब्लम जो है समेशन ऑफ नेचुरल नंबर थी, ये नीचे आपको स्क्रीन देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 का समेशन 15 आया। अभी हमको इन सारे नंबर का समेशन ना चाहिए, हमको चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन। 5 × 4 = 20 × 3 = 60 × 2 = 120। हम ये सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहते, वही तो है फैक्टोरियल। हम इन सारे नंबर्स का चाहते हैं फैक्टोरियल, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सीरीज का मल्टीप्लीकेशन आ जाए और हमको एक नंबर मिल जाए 120। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम यही है। क्या चेंज होगा? अब वेरिएबल नेम में अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, लॉजिक में चेंज क्या होगा? वी वांट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस नंबर। मैंने एक मेजर चेंज किया यहां पर एक मेजर चेंज किया, प्लस की जगह इंटू साइन। अब क्या यह प्रोग्राम सही है? केवल मेरे को अपने कमेंट में लिख के बताइए क्या चेंज होगा। एक मिनट मैं दे रहा हूं, क्या प्रॉब्लम रह जाएगी? इसका आंसर हर बार क्या आएगा, सम की वैल्यू क्या आएगी? सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्या? सारे आई जो ऐड हो रहे थे उसकी जगह हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। यस, सही लिखा कुछ स्टूडेंट ने कि यहां पर आई केवल मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लीकेशन सारे 1 से लेके 5 तक का नहीं होगा, 1 से लेके n तक का नहीं होगा, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी वजह से। सम में इनिशियल वैल्यू 0 है, तो यहां पर इनिशियल वैल्यू 0 के वजह हमको करनी पड़ेगी 1। फैक्टोरियल के लिए लॉजिकली देखा जाए तो सम और फैक्टोरियल में यही दो मेजर चेंज है। इनिशियल वैल्यू 1 सेट कीजिए और सम इक्वल सम प्लस आई की जगह इंटू आई कीजिए। हाँ, पर वेरिएबल का नेम अब सम ठीक नहीं लगेगा, वेरिएबल के नेम से उसका पर्पस दिखना चाहिए, तो इसलिए हम बेटर रहेगा कि इसका नाम भी फिर उसके पर्पस को दिखाते हुए कर दें। यहां पर हमने लिख दिया फैक्ट, सम इक्वल सम प्लस आई की जगह पर यहां पर लिखा जाएगा फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम हो रहा है, जहां सम प्रिंट कर रहे थे वहां वहां पर हमने क्या प्रिंट करने जा रहे हैं हम, फैक्टोरियल फैक्ट इक्वल फैक्ट बिल्कुल सही बात है, फैक्ट इक्वल 1 फॉर आई इन रेंज 1 को n+1। पूरा लॉजिक सेम है, बस मेजर चेंज क्या हुआ है, सम की इनिशियल वैल्यू 0 हो रही थी उसकी जगह फैक्ट इक्वल 1 सेट किया, और दूसरी चीज सम इक्वल सम प्लस आई की जगह पर फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई किया। तो फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई किया तो अब ये फैक्टोरियल देगा और उसके पहले सीरीज भी देगा, क्योंकि हमने प्रिंट आई लिखा हुआ है यहां पर, देख लो। किसी को कंफ्यूजन है तो फैक्टोरियल कैसे काम करता है, बेटा ये अप्रोच बहुत यूजफुल है आपको आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप एक एक लाइन को रन कीजिए कि इससे क्या क्या आउटपुट में इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए इधर,
हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक तो आई है और एक फैक्ट है। हमने जो लाइन मेंशन किया सबसे इंपॉर्टेंट, फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई, उसका क्या इफेक्ट होगा? फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है? वन। आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है? वन। आई की वैल्यू वन से एन तक जा रहा है ना। सपोज एन की वैल्यू हमने फाइव इनपुट की, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ फाइव, तो आई में चेंजेस होंगे वन से लेके फाइव तक। आई की वैल्यू चेंज होगी वन टू थ्री फोर फाइव। ये सारे आई की वैल्यूज को हम वन बाय वन, ये बार बार लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, तो ये फैक्ट में आई की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं। कैसे? फैक्ट की फर्स्ट वैल्यू है वन, आई में वन, वन इंटू वन वन। नेक्स्ट फैक्ट का वैल्यू वन, आई तो टू है, वन इंटू टू टू। नेक्स्ट वैल्यू फैक्ट का टू इंटू थ्री सिक्स। नेक्स्ट वैल्यू सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर। नेक्स्ट वैल्यू फैक्ट का ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू फाइव 120। तो ये हो गया 120, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। यदि ये 6 होता तो 120 इंटू 6 720। इस तरीके से जो नंबर देंगे हम उतने का फैक्टोरियल निकल आएगा। तो यहां पर हमने लूप में यही किया हुआ है, फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आर। प्रोग्राम को वैसे तो याद नहीं किया जाता, पर कुछ प्रोग्राम के कोर लॉजिक जरूर माइंड में रखे जाते हैं, तो फैक्टोरियल का कोर लॉजिक यही है, फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई। सम ऑफ सीरीज का कोर लॉजिक जैसे सम इक्वल सम प्लस आई है, तो फैक्टोरियल का लॉजिक है फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई। बाकी तो लूप फॉर्मेशन है ऊपर और नीचे। तो ये फैक्टोरियल की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अच्छा, फैक्टोरियल की प्रॉब्लम में बेटा ध्यान रखिए, वैसे आई के को प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर नहीं प्रिंट करना है यहां पर, तो मैंने ये लाइन रिमूव कर दी प्रिंट आई। अब नीट एंड क्लीन केवल एक ही चीज रहेगी फैक्टोरियल के प्रोग्राम में, वो क्या है? वही रहेगी फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई। इस प्रोग्राम में कोई डाउट कोई कमेंट हो तो अपने कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से, तो अगली प्रॉब्लम पर जाएं हम लोग। शिप्रा लिख रही है इट्स क्वाइट ब्लर। बेटा ये इस आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होगी, इसके लिए तो आप कुछ ट्राई कीजिए, वहीं पर ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सचिन नेगी और तान्या आपस में डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, थैंक यू। तान्या ने कन्विंस करवा दिया एन क्यों हुआ है, एन प्लस वन क्यों हुआ है। और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज अपने कमेंट में लिख दीजिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लूप बेस्ड ही प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी आज। तो लूप बेस्ड प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज नेक्स्ट प्रॉब्लम में जा रहे हैं। और भी बेटा कोई लूप बेस्ड प्रॉब्लम जो आपको 11th क्लास में नहीं समझ में आई है, क्योंकि ये लूप चल रहा है, मेरे को कुछ 4-5 एग्जांपल कंप्लीट करने, आप जो बोलेंगे वो एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन योर कमेंट। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम प्रॉब्लम ले रहे हैं लूप बेस्ड प्रोग्राम टू प्रिंट n terms of Fibonacci series. लूप के लिए भी एक अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है कि लूप को समझना है तो एक एग्जाम्पल यह भी लिया जाता है प्रोग्राम टू प्रिंट n terms of Fibonacci series. तो Fibonacci series क्या होती है पहले यह समझना जरूरी है। Fibonacci series वो सीरीज जिसमें हर अगली टर्म जो है
प्रीवियस टू टर्म्स का समेशन होती है, पिछले दो पदों का योग अगला पद बनता है, उसी को कहा जाता है फिबोनैसी सीरीज। कैसे? सपोज हम स्टार्टिंग की दो टर्म अज्यूम कर रहे हैं 1 और 1, 1 प्लस 1 अगली टर्म हो जाएगी 2, तो फिर इसकी अगली टर्म पिछली दो पदों का योग समेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, तो पिछली दो टर्म्स का समेशन 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8 एंड सो ऑन। आपको जितनी टर्म्स चाहिए, आपका क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना है, व्हाट डू यू वांट एंड टर्म्स, मतलब आपका आउटपुट कैसा चाहिए, एंटर एंड, स्क्रीन पर मैसेज आना चाहिए सबसे पहले। आप चाहते हैं आउटपुट में ऐसा हो कि स्क्रीन पर मैसेज आए एंटर एंड, यूजर ने एन एंटर किया 6, तो 6 एंटर किया मतलब यू वांट टू जनरेट 6 टर्म ओनली, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6, नॉट अप टू एन। हियर रोल ऑफ एन इज नंबर ऑफ टर्म्स टू बी प्रिंट ऑन द स्क्रीन। ये जरूर ध्यान रहे, एग्जाम में कोई सा भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको एक एक वर्ड को ध्यान से समझ लीजिए कि आपसे क्या चाहा गया है, वही आपको प्रोग्राम में बना के देना होता है। एक छोटा सा भी चेंज होगा क्वेश्चन में, आपको आपके सॉल्यूशन में चेंज दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहां सिंपल सी बात है, हमको कहा गया है प्रोग्राम टू प्रिंट एन टर्म्स ऑफ फिबोनैसी सीरीज, तो हमने फिबोनैसी सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स 6, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्रिंट करना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। और मैं बता चुका हूं आपको फिबोनैसी सीरीज क्या होती है, पिछली दो टर्म्स का समेशन अगली टर्म बनेगी, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8। इसके आगे भी यदि जाना पड़ता, यदि 7 टर्म्स बोली होती है तो 8 5 13, 13 प्लस 8 21 एंड सो ऑन। इस तरीके से एन टर्म्स प्रिंट होगी, क्लियर? तो अब हम फिबोनैसी सीरीज का प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं, इसका पहले कोर लॉजिक में बता दूं। कोर लॉजिक के पहले आपको लूपिंग रिवाइज करवा दूं मैं, कि लूपिंग जो लास्ट टाइम की थी ऑलमोस्ट वही रहेगी। देखिए सबसे पहले एन इनपुट होगा। अब बेटा देखो एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहां पे की, छोटी सी मिस्टेक, एन इंट इनपुट एंटर एन, यस, क्या मिस्टेक है अपने कमेंट्स में लिखिए जल्दी, क्या मिस्टेक की है अभी। डबल कोट्स तो लगे, ऐसा कोई बड़ी मिस्टेक नहीं की है। मिस्टेक बोलते तो क्लास का अटेंशन ज्यादा मिल जाता है, मिस्टेक कोई बड़ी नहीं है, पर एक चीज ध्यान रखने वाली बता रहा हूं मैं, बोर्ड में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ध्यान से पढ़े। आपको बोर्ड में बोला गया है एन टर्म्स ऑफ फिबोनैसी सीरीज, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, जो वेरिएबल नेम बोला है उसी को फॉलो कीजिए, अपने मन से नया वेरिएबल नेम भी ना ले, ठीक है? तो यहां पर वेरिएबल नेम हम कैपिटल एन लेकर ही चलेंगे, मैंने स्मॉल एन लिया हुआ था। अब एन इक्वल इंट इनपुट एंटर एन, हमने नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से इनपुट कर लिया। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट होने के बाद हमको फिबोनैसी सीरीज प्रिंट करना है, कुछ भी एन टाइम करना है तो वही लास्ट टाइम जैसी अप्रोच, एन टाइम कुछ भी रिपीट करना है, लूप लगाओ। For I in range, yes, Sachin, क्या आएगा 1, n+1, क्योंकि n टाइम रिपीट करना है, अभी क्लियर हो गया होगा आपके। तो यहां पर for I in range 1, n+1 और colon, अब जो कुछ यहां लिखा जाएगा वो एंड टाइम रिपीट होगा, जो कुछ लिखा जाएगा यहां पर वो एंड टाइम रिपीट होगा,
तो इसके लिए एंड टाइम रिपीट करने के लिए हमने यहां पर अब फिबोनैसी का लॉजिक कैसा है, प्रीवियस दो टर्म्स का समेशन अगली टर्म, तो प्रीवियस दो टर्म तो पता होना चाहिए ना, तो प्रीवियस दो टर्म हमने अज्यूम कर लिया, एक वेरिएबल लिया प्री जिसमें वन पुट किया, एक वेरिएबल लिया करंट इसमें भी वन पुट किया, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिए, नाम हमने दिए हैं, ये रिजर्वर्ड नहीं है, ये नाम हमने दिए, पी और सी भी ले सकते थे, हमने प्री और करंट ले लिया, प्री की वैल्यू वन करंट की वैल्यू वन। अब यदि लूप के अंदर पहली लाइन हमने मेंशन कर दी प्रिंट प्री, फिर से क्या होगा, एंड टाइम वन 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 स्क्रीन पर आ जाएगा, हमको तो सीरीज चाहिए ना, वन के बाद फिर वन और उसके बाद फिर टू चाहिए, टू के बाद वन प्लस टू थ्री चाहिए, थ्री के बाद टू प्लस थ्री फाइव चाहिए, फाइव के बाद ऐसा प्रीवियस दो टर्म्स का समेशन करके नेक्स्ट टर्म जनरेट करवाना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, देखिए प्रीवियस टर्म मतलब पहली टर्म तो कंटिन्यूसली प्रिंट होती रहे, इसके बाद हम चेंजेस कर रहे हैं, प्री इक्वल करंट, करंट इक्वल नेक्स्ट, और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन नेक्स्ट इक्वल प्री प्लस करंट, इसका लॉजिक में ये बात है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस और करंट का समेशन होगी, अभी प्रीवियस और करंट कितना है, पहली बार में वन और वन, वन प्लस वन टू बन जाएगा, अब जो करंट की वैल्यू वो प्रीवियस में पास कर देंगे, जो नेक्स्ट में वैल्यू वो करंट में पास कर देंगे, तो कैसे होगा, प्री इक्वल करंट, करंट इक्वल नेक्स्ट, प्री इक्वल करंट एंड करंट इक्वल नेक्स्ट, कैसे होगा और ये सीरीज कैसे जनरेट होगी तो मैं आपको बता दूं, प्री और करंट की वैल्यू हो चुका है प्रोग्राम कंप्लीट, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिक एंड टर्म्स प्रिंट कर देगा, कैसे करेगा देखिए, प्री और करंट की वैल्यू 1 1 है, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर 1 प्रिंट होगा, प्री प्लस करंट 1 प्लस 1 2, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2, अभी 1 है और ये 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्री इक्वल करंट प्रेजेंट वैल्यू करंट का कितना है, प्रेजेंट वैल्यू करंट का 1 है, वो असाइन हो रहा है प्री में, तो करंट प्री की वैल्यू भी 1 हो गई, ऑलरेडी 1 थी, 1 रिप्लेस होकर 1 ही हुआ, करंट असाइन नेक्स्ट, नेक्स्ट में प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 असाइन होगा, तो अब करंट और प्री की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या, एक लूप एग्जीक्यूशन 1 और 2, जब नेक्स्ट लाइन राउंड में लूप रन होगा प्री तो 1 ही प्रिंट होगा, और प्री और करंट की प्रेजेंट वैल्यू 1 और 2 है, तो 1 प्लस 2 3, नेक्स्ट टाइम में ये हो जाएगा 1 और 2, नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर उसके बाद प्री इक्वल करंट प्रेजेंट वैल्यू करंट का कितना है 2, तो ये 2 इधर जाएगा, करंट इक्वल नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट में कितना है 3, 3 भी जाएगा इसमें, फिर जब नेक्स्ट राउंड में प्री प्लस करंट होगा तो प्री 2 रहेगा, करंट 3 रहेगा, 2 3, नेक्स्ट टर्म बनेगी 5, ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा, क्लियर। तो अभी ये आज का टॉपिक फिबोनैसी सीरीज, हमने लूप की 3 प्रॉब्लम की है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके अलावा फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, और तीसरी ये प्रॉब्लम फिबोनैसी सीरीज एंड टर्म्स। बेटा मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये रिविजन टूर चैप्टर है क्लास 12th के लिए, तो लूप की जितनी आपने क्लास 11 में प्रॉब्लम या एक्सरसाइज की है एक बार सारी एक्सरसाइज को गो थ्रू कर लीजिए, बिल्कुल काम आएगी क्लास 12th में, वो बहुत जरूरी है। आप सारी लूप की एक्सरसाइज आज जितनी आपने कॉपी में क्लास 11 की कॉपी में लिखी है समझिए, उनको एक बार सारी रिकॉल कर लीजिए, तो ये टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा लूपिंग का। जस्ट आज हमने लूप गो थ्रू किया, वो भी पहला लूप फॉर लूप, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड डे, बाय।